Assalamualaikum everyone, this is Aseem Jazar. Welcome to a new video. I hope कि आप सब खैरियत के साथ होंगे. तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू. Today is a very special day because आज मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी और मेरे साथ दोस्त हैं और एक समय पार्टी हो रही है भाई. ये जनाब जो है ना ये इधर चुप रहे हैं, कुर्बानी का बकरा बने हुए क्योंकि इन्होंने लगाई थी हमारे साथ शर्त. यार ये वैसे मेरे साथ आप लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो. नहीं नहीं कैसी ज्यादती है भाई, किस बात की? नहीं भाई से कमेंट्स ले लेते. इधर आओ, इधर आओ. किस चीज की ट्रीट ले रहे हैं ये भी बताओ ना. अच्छा तो भाई ने लगाई थी शर्त और शर्त हम गए जीत. शर्त मैं आपको नहीं बता सकता, बस जीत गए. और अभी हम रावलपिंडी जा रहे हैं ट्रीट लेने भाई से, स्पेशली सिर्फ ट्रीट लेने के लिए जा रहे हैं. और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम किधर जा रहे हैं, तो उधर ही चलते हैं. भाई कह रहा है बर्गर खिलाता हूँ या फिर पिज्जा, तो ये अभी डिसाइड करना है जाकर. तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं. इधर आओ, इधर आओ, उधर नहीं मैं आता, सॉरी यार. अच्छा तो हम जा रहे हैं, गाड़ी यूनिवर्सिटी की गाड़ियां जाती हैं, अभी यूनिवर्सिटी से ऑफ हो गया तो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं. और उधर से आगे रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी में जो ट्रीट होने वाली है कह रहे हैं या तो चलते हैं तहजीब पे. भाई कौन सदर ले सदर में फिर क्या होगा, नहीं कौन सी जगह ले जा रहे वाली है सुन. यार मैं सोच रहा हूँ आपको किसी अच्छे से ढाबे पे ले गए. ढाबे शाबे पे हम नहीं जा रहे हैं. आपने जिस तरह से वो कहा था ना कि प्रॉमिस किया था कि किस तरह के अपडेट देने जा रहे हैं, तो उसी तरह की हम लेंगे. तो ये तो उधर ही जाकर देखते हैं ना कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं. ये जो भाई है ना ये जब नहीं देख रहे बहुत के. अच्छा जी तो अभी हम बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के, जहाँ बसें वगैरह खड़ी होती हैं. ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रश है इसी वजह से. और क्या चीज, हाँ ये भाई कह रहे हैं कि रौनक है. और ये सारी बसेस वगैरह खड़ी हैं और भी काफी सारी हैं, तकरीबन 40-50 बसेस होती हैं जो इतने स्टेशन खड़ी होती हैं, क्योंकि ऑफ होता है तो सारी रावलपिंडी इस्लामाबाद शोर काफी ज्यादा है, तो उधर ही जाकर. रावलपिंडी में पहुंच चुका हूँ. ये इधर है रेस कोर्स और अभी तकरीबन गाड़ी पहले ही किसी और स्टॉप की तरफ जाना था तो पहले मुड़ गई है, तो अभी हमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे सदर पहुंचने तक. तो सदर पहुंच कर फिर रब्ता करते हैं. जी गाइस तो अभी हम आ चुके हैं रेंचोर्स पे पीछे, तो ऑर्डर कर दिया हमने, यूसी के इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो खाते हैं. इसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं और आगे बताते हैं आगे क्या कर रहे हैं. ये सारे बैठे हुए हैं जनाब साहब दानिश अली हसन, ये हैं जो हमें आज खिला रहे हैं, इनकी वजह से हम किस मकाम तक पहुंचे हैं. और इनका तो पहले तो बहुत शुक्रिया, बाद में भी करते हैं लेकिन पहले भी कर देते हैं कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया. ये जनाब फरहान साहब हैं, प्यार से इन्हें फानी गिल कहते हैं, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी की. इनसे भी आपको बहुत जल्द एक इंट्रो करवाएंगे. अभी बस बर्गर का इंतजार है, वो आता है वो खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं. जी गाइस तो बर्गर आ गए हैं जो हमने ऑर्डर किए थे, और अभी खाएंगे. और भाई कह रहे हैं वीडियो ना बनाओ, मैंने कहा भाई मजा आने वाला, वीडियो तो बनेगी, तो पहले ये खाते हैं उसके बाद थोड़ा दिल्ली में और काम है वो कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर वापस चलते हैं यूनिवर्सिटी. आया हुआ बहुत मजा आने वाला है आपको. Yeah.
गाइस तो बर्गर हमने खा लिया अभी भी दानिश भाई का अभी भी पेंडिंग भरा वो कह रहे हैं कि एक बर्गर और मंगवा रहे तो एक ऑर्डर और किया है वो दानिश ने खाना है उसके बाद फिर वापस चलते हैं और जाके मिलते हैं यूनिवर्सिटी। जी गाइस तो अभी हम जा रहे हैं वापस बस की तरफ, अभी टाइम हो गया है तकरीबन 6:20 और 7 गाड़ी वापस जाती है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उधर ही जा रहे हैं। दूसरा शाम हो गई है जैसे कि मैंने बताया, तकरीबन 6:20 हो चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आप ये देख सकते हैं जमीन भी गिली है सारी और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया। तो फास्ट फूड खा के ना मैं कहता हूँ मजा आ गया। और दूसरी बात ये के शाम टाइम रात टाइम ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं कि रावलपिंडी बहुत ही खूबसूरत मौसम बन जाता है और बहुत ही लाइटिंग हो जाती है हर तरफ, वो जो भी थी अब नहीं है जैसे कि आप देख भी सकते होंगे हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग है। और जो बात जो मेन चीज थी वो है अपने दोस्तों से पूछना है कि उन्हें बर्गर जो फास्ट फूड खाई कैसी लगी। तो दानिश भाई पहले तो आओ भाई, दानिश भाई बर्गर कैसा लगा फिर? असं देसी बंदे हैं, कढ़ाइयां ते बहुता देर हो गई। अच्छा तो मतलब पेट नहीं भरा अभी भी समझ गया। चलो कोई नहीं, अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो खाना भी खाएंगे। अभी भाई पानी के साथ, पानी के साथ आना बताए कि बर्गर कैसा लगा? जनाब मैंने तो अपनी थान का लगाया था, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो इन तीनों के मुंह बने अच्छा थे और एक मेरे बर्गर एक सीरियस बात ये कि हमारे साथ हो गया थोड़ा सा हाथ, वो इस तरह से कि बर्गर जो हमने ऑर्डर किए ना वो गलती हो गई हमसे थोड़ी सी, जो ऑर्डर करने थे वो हमने ऑर्डर नहीं किए और दूसरे कर दिए। जब वो आ गया तो उस वक्त हमें पता चला कि थोड़ा सा ना मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन असल में गलती इनकी नहीं है, ये इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी यूटी टैक्स लाते हैं तो इसी वजह से गलती हो जाती है इनसे। लेकिन जनाब साहब ने ऑर्डर सही कर लिया था अपना, तो इन्होंने तो अपनी मर्जी के खाया, लेकिन जो हमने खाया वो भी बर्गर अच्छा था। मुझे बड़ा मजा आया ये नहीं कि खराब था लेकिन अच्छा था, लेकिन जो चीज खाने आया था वो हम नहीं खा पाए। अभी है जनाब सब इधर आए ना, इधर से ये है हमारे कुर्बानी का बकरा अली हसन। अली हसन भाई सुनाए कैसा रहा फिर आज का दिन, ये ट्रीट देख के आपको क्या फील हो रहा है? जान तो मुझे अपनी जेब खाली फील हो रही है। अच्छा कितनी खाली हो गई है? काफी खाली हो गई, बिल्कुल खाली मुली हो गई है अब तो। चलो कोई नहीं और आ जाएंगे, ये कोई बात नहीं। बाकी बर्गर के बारे में बताओ, टेस्ट कैसा था रेंचर्स का? पानी के बर्गर का टेस्ट अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा टेस्ट, लेकिन ये कुछ हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं कि बर्गर इतना उस लेवल का नहीं था। नहीं नहीं बर्गर माजरा था मेरी सबसे पहले। नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, बर्गर अच्छा था, आपने ट्रीट दे दी हमारे लिए यही बहुत है। तो बारिश थोड़ी तेज हो रही है तो अभी थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि ये देख सकते हैं हर तरफ लाइट ही लाइट है और फुल क्या कहता हूँ खूब खूबसूरती है। तो अभी जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ, उधर ही चलते हैं। फाइनली तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूं, बल्कि अपने रूम में पहुंच गया हूं। और आज का ये विजिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी यूटी टैक्सला टू रावलपिंडी बहुत ही मजे करा, बहुत इंजॉय किया। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, तो हम याद रखिए अल्लाह हाफिज। और हाँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो और लाइक भी लाजमी करना है। और नए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में एक नए क्रेश के साथ। अल्लाह हाफिज।